वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 14th of September। तो पहला क्वेश्चन है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी इन लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि चाइनीज के पैंगोंग लेक के पास चाइनीज वालों ने अपनी फोर्स लगाई हुई थी। बाद में चाइनीज अब वहाँ से अपनी फोर्स हटा रही है और उसी का एक साइन दे रही है इंडियन आर्मी कि दैट वी हैव कंक्लूडेड दैट पर्वत पहाड़ एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख। और आपको पता है इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15th of August। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ न्यूक्लियर स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने ना एक अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है, अगर कल को कोई भी टेरर अटैक होता है ऑन नॉर्थ कोरिया तो ही कैन यूज अ न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकती है किसी भी टाइम। सो उस एक तरफ से उन्होंने एक एज अ वार्निंग दी है टू अदर कंट्रीज नॉट टू इंटरफेयर ऑन नॉर्थ कोरिया पॉलिटिकल सिचुएशन, तो उन्होंने एक वार्निंग दी है। और आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया की बहुत फेमस अभी अभी मिसाइल तैयार हुई है हवा सोंग मिसाइल, और ये कहाँ तक जा सकती है, यूएसए तक जा सकती है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है फोनफे। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का कौन सी डिग्री अलग करती है, 38 डिग्री। एशिया कप 2022, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया कप, एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और पहला एशिया कप किसने जीता था, इंडिया वालों ने जीता था। आज की बात करें 2022 की तो कौन जीता है, तो श्रीलंका ने 23 रन से किसको हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। तो याद रखना श्रीलंका ऐसा 6th time कर रही है कि उन्होंने एशिया कप जीत लिया है। यूएस ओपन 2022, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो यूएस ओपन आपको पता हैगा कौन से कोर्ट पे होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है और ये टेनिस का आखिरी टूर्नामेंट है इस साल का। और मैन की कैटेगरी में कौन जीता, कैस्पियर रूड ऑफ स्पेन, और कैस्पियर ऐसा करने वाले सबसे यंगेस्ट है और पहली रैंकिंग इन्होंने हासिल कर ली है और ऐसा करने वाले सबसे यंगेस्ट है। वुमेन की कैटेगरी में, वुमेन की कैटेगरी में किसने जीता, इगा स्वेतविक ने। तो ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है ऑफ पोलैंड। और किसको हरा कर इन्होंने हराया है, ओंस को। ओंस कहाँ की रहने वाली, ट्यूनीशिया की। अ न्यू वारशिप तारागिरी अंडर प्रोजेक्ट 17A, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रोजेक्ट 17A चला रहा है कौन, मजगांव डॉक लिमिटेड, और इसमें वॉरशिप्स तैयार की जाएंगी जिसमें पहली तैयार की गई थी नीलगिरी, नीलगिरी के बाद की गई उदयगिरी, और उदयगिरी के बाद थर्ड आई है हमारी तारागिरी। और ये कितनी होंगी, 7 ऐसी वॉरशिप्स तैयार की जाएंगी अंडर प्रोजेक्ट 17A। और कौन कर रही है, मजगांव डॉक लिमिटेड, और कहाँ की ये कंपनी है, ऑफ मुंबई। ऑपरेशन गियर बॉक्स बाय डायरेक्टोरेट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन गियर ऑफिस गियर बॉक्स। और ये किस पोर्ट पर चलाया है, ये कोलकाता पोर्ट पर चलाया है। और क्यों चलाया है, टू प्रोहिबिट हीरोइन, हीरोइन का लेन देन, हीरोइन का कालाबाजारी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन गियर बॉक्स। और आपको पता होगा कि जो गियर बॉक्स क्या होती है, एक व्हीकल के नीचे यहाँ पर ये ड्रग्स एक्वायर करके ये पर्सन आते हैं, तो उसको करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। नागा मिर्च फेस्टिवल इन नागालैंड, हमारे इंडिया की वन ऑफ GI टैग जो नागालैंड को मिला हुआ है ऑफ नागा मिर्च, इसको किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे इंडिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, नागा मिर्च, और उसका फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है इन नागालैंड। इंटरनेशनल डेयरी समिट इन ग्रेटर नोएडा,
इंटरनेशनल वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। इंडिया में भी कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।